तो जस्ट सो यू नो, यूएस में ऐसे पुराने चीज़ों का, एटलीस्ट खास करके ये, क्योंकि इतना पुराना है, इसका प्रिटी मच कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे आप लोग को मालूम है, मेरे वॉशर में से ऐसे पानी का लीक हो गया था। तो क्या हो रहा था ना कि इसके अंदर पानी भरते जा रहा था और जो पानी फ्लो होता है वो फ्लो बंद ही नहीं हो रहा था। तो वो चक्कर में क्या हो गया था, अंदर का ड्रम भर गया था और ओवरफ्लो हो रहा था। तो फॉर अ मिनट मैंने सोचा कि पूरा वॉशर रिप्लेस करता हूँ, पर फिर सोचा यार खाली पकड़ का $300-400 $500 वेस्ट हो जाएगा अगर कोई एक छोटी चीज़ खराब होगी। तो थोड़ा फाइंड आउट करने के बाद मालूम पड़ा है कि वाटर इनलेट वाल्व, ठीक है, वो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये जो पानी का होज जिस पे कनेक्ट होता है, तो ये वाल्व इट सीम्स डिफेक्टिव है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ट्राई करके देखता हूँ खुद बनाने के लिए, अगर बन गया तो फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा ये स्क्रूज वगैरह निकालने के, तो ये ब्लॉग मैं उस पर बनाने वाला हूँ। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और करते करते होपफुली इन द एंड रिजल्ट अपना ये काम हो जाए। अमेजोन पे मेरे को इसका पार्ट मिला और पार्ट था ब्रांड न्यू पार्ट था $41 का। तो इट सीम्स किसने मंगाया और वो लोग को वो पार्ट कंपैटिबल नहीं था वो लोग के मशीन के साथ, वो लोग ने रिटर्न किया अमेजोन को। तो ओरिजिनल पार्ट $8.27 में, ओके। तो मैं ज़्यादातर वो मंगाने वाला हूँ। तो मैं अभी जाने वाला था रन पे, पर मैं सोचा यार पहले ये ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि वो अगर एक ही पीस है तो फिर मेरे को $8 में मिल जाएगा। तो अभी ये करते। तो अपने पास सब टूल्स पड़े हैं, तो इसमें से कोई एक बिट चलना चाहिए। तो इन रियलिटी ये वॉशर एक्चुअली है पुराना, ठीक है, पर लेकिन इतना मस्त चलता है ना कि ऐसे लगता है खाली फोकट जो चीज़ अच्छी तरह से चल रही है ज़बरदस्ती रिप्लेस क्यों करने का। तो ये देखो गाइस, ये वाला मस्त लग गया। अभी इसका साइज़ मेरे ख्याल से T20 या 325 है। तो अभी इसके ऊपर का पार्ट लेके आता हूँ। ये चार पीस, 2, 3, 4 यहाँ से निकालने गए। सबसे पहले तो ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा पीस ऐसे नीचे आया। हाँ, तो यही वाला है जो मैं देखा $8.27 का। तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ अमेजोन पे। काफ़ी इजी होना चाहिए निकालने के लिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली ₹700 के आसपास मेरे को पड़ा। वो आ रहा है इधर वेंड्स, देखो ये वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, आ जाए इधर मंडे। तो अमेजोन प्राइम का हम लोग को 2 डे शिपिंग मिलता है। इधर अमेजोन प्राइम का कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली $120 पूरे साल का, ठीक है। ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो अभी वेंसडे को जब भी आएगा तो मैं ये आपको फिल करके दिखाऊंगा ये पार्ट रिप्लेस करने से पहले, कि आपको मालूम पड़ेगी एग्जैक्टली क्या हो रहा था। आज के दिन पे 2 टाइम ऑलरेडी मेरा यहाँ फ्लडिंग हो गया, आई हैड इनफ। अभी मैं जा रहा हूँ रन पे, तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते वेंसडे। अभी मैसेज आया अमेजोन का कि पैकेज डिलीवर्ड हो गया, तो इधर होना चाहिए। अरे यूजली डिलीवर्ड होता है तो इधर होता है, तो लगता है मेल बॉक्स में। तो ये देखो अपने दोनों हीरो लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए जी, नींद में से उठा है हीरो। चल इस आ जा, चल चल आ जा इस। तो इधर से निकाल रहा हूँ, थोड़ा ब्राइट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा और क्लियरली दिखे। तो ये टैब ऊपर गया, वो टैब ना लॉक हो रहा है इसके अगेंस्ट, ये आ गया बाहर। तो इधर देखो, इधर एक क्लिप है, आई थिंक एक क्लिप को दोनों तरफ से ऐसे करूँगा निकल जाएगा। एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, और फिर आई थिंक ये दो हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो ये एक मिनट, क्या मेरे को खाली मेक श्योर करने का, ये एकदम टाइट हो, क्योंकि इन ऑल रियलिटी जैसे आपने देखा ये फुल टाइट नहीं था, थोड़ा
थोड़ा पानी गिरा इसमें से, एक काम इधर रख देता हूँ कपड़ा। ये एक्चुअली फ्लोरिंग मैंने की थी, मैंने बहुत ही थैंक गॉड समझदारी का काम किया था। जो भी मैं फ्लोरिंग लगाया था ना, मैंने इधर ये देखो फुल एकदम सील किया था, क्योंकि मेरे को था कभी भी इधर जस्ट इन केस कोई लीक हो गई, मेरे को नहीं तो पूरा फ्लोरिंग निकालना पड़ेगा। इन रियलिटी कौन से कॉर्नर्स में से थोड़ा पानी आई थिंक नीचे चले गए, क्योंकि सीम्स में ना ऐसे स्लाइड स्लाइड थोड़ा मॉइस्चर दिखता है, पर आई डोंट थिंक इतनी बिग डील है, क्योंकि मेन एरियाज मैंने सब सील ही की थी। ट्राई करके जितना वन गो के स्ट्रेच में मैं बना सकता हूँ मैं बनाता हूँ। ओके, क्या वन गो इसमें ना मज़ा आता है, पर यार इसमें से पाइप में बहुत पानी है लगता है। ओके, तो ये पानी तो निकल दे यार, तो एक काम कर, इतना प्रेशर नहीं है तो ये हो गया। ये साइड वाला ना एकदम मस्त फुल टाइट हो गया, तो आई डोंट थिंक इसमें से इतना गिरना चाहिए, ऑल दो पाइप में जो भरा हुआ होगा थोड़ा बहुत निकलेगा। देखा बंद हो गया ना इसमें एक्चुअली, अरे नहीं आ रहा है, तू इधर आ जा, वहाँ है। ये इसका फिलिप्स स्क्रू से इन रियलिटी मेरे को वो वाला पार्ट खोल के देखना चाहिए पहले, कि बराबर वाला भी है कि नहीं। दो स्क्रू निकला, आई थिंक बस इतना ही है यार। अभी बस इधर से ये खोलता हूँ, ये देखो कौन आ गया इधर, हीरो जिप 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 जिप, ये उसका कपड़ा है जिसपे वो सोता है। तो क्या हो रहा है ना, मैं ये पुश कर रहा हूँ दोनों को अंदर, ये एकदम नीचे डाल नहीं सक रहा या ऊपर भी नहीं डाल सक रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं छोड़ता हूँ वो वापस पकड़ लेता है, और एट द सेम टाइम इधर ना ये लोग का कुछ तो है आई थिंक अंदर, जो एकदम मस्त ये पाइप को इसने पकड़ के रखा है, तो मेरे को निकालना ही नहीं हो रहा है। और क्या, मैं अगर बहुत प्रेशर डालूंगा ना यार पुल करने में, तो इधर से ऐसे कट सकता है और फिर फॉर ऑल यू नो इसके साथ भी पंगा हो जाएगा। पर लेकिन मेरे को इसका प्रॉब्लम तो मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ख्याल से क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखो, ये जैसे दिख रहा है आपको, इधर इसके अंदर सब कचरा जमा हो गया था, इसके लिए ये क्या नाम है इसके लिए ये ऐसे प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो ये देखो एकदम आइडेंटिकल पार्ट है, इसका साइज भी एकदम सेम है, ये भी साइज एकदम सेम है, स्क्रू के फर्स्ट वाला स्क्रू लगने का भी एकदम परफेक्ट है। तो अभी ये वाला पीस डाल रहा हूँ, तो जैसे मैं आपको बोला, ये देखो इसका ये लिप का पार्ट है, ये अंदर जाके वो पाइप में ऐसे अटकता है, ठीक है। तो ये सीधा अंदर पुश कर रहा हूँ, नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, पर ये देखो इसके अंदर पुश कर रहा हूँ एकदम पूरा अंदर जाएगा वो। क्या मेरे को संभालने का, ऐसे नहीं ना ये वाला पाइप अगर टूट गया, पाइप का बंदा नहीं है वो, पर क्या वो चक्कर में मेरे को और सब बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। तो ये देखो जैसे दिख रहा है लग गया, मैं क्या किया छोटा वाला प्लायर लेके आया इसके लिए, क्योंकि वो बड़ा प्लायर के लिए ना इतना रूम ही नहीं था। अभी ये वॉशर हम लोग तो यूज करेंगे, पर मेन पता है कभी काम में आएगा, ये घर हम लोग इवेंचुअली रेंट पे देने वाले, तो जिसको भी देंगे उसको हम लोग ऐसे फ्री वॉशर ड्रायर दे देंगे यूज करने के लिए, और फिर उसमें मैं वो लोग को बोलूंगा कि अगर खराब हो गया डोंट वरी, आप लोग टेंशन नहीं करना, पर जब तक चलता है आप लोग फ्री में यूज कर सकते हैं। तो क्या एक तीर से अपने दो निशाने हो जाएंगे। तो ये देखो ऐसे इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या आ गया ऑलमोस्ट, मैं क्या कर रहा हूँ पीछे से भी उसको ऐसे आस्ते आस्ते पुल कर रहा हूँ। तो ये देखो मस्त एकदम परफेक्ट बैठ गया, थोड़ा नीचे करता हूँ कि उसको एकदम मस्त फिट मिले इधर, ठीक है। अब ये जाएगा इधर, ये अपना है वॉश एंड फोल्ड का। तो जैसे देखो ये वाला जो पीस मैं जो आपको बोल रहा था ये टूट गया, तो उसका पीस इधर वो लोग ने मेरे को ब्रोकन ही भेजा, अभी चलेगा
कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एक स्क्रू में इधर लगा दूंगा ना मेरा काम हो जाएगा। तो इसका स्क्रू लगा दे अभी। ये लग गया और क्या, अगर पीछे वो जो दो पाइप लग जाएंगे ना उससे वो ऐसे भी बैठ ही जाएगा मस्त। तो ये देखो लग तो गया, सॉरी। तो ये पाइप से इधर एकदम मस्त होएगा, ये इधर लग गया। एक चीज मैं क्या मेक श्योर करने वाला हूँ ना अभी, ये बंद करने से पहले एक्चुअली पीछे इसका दो पाइप लगा देता हूँ, वो जो वाले दो वाले पाइप निकाले थे पानी के, क्योंकि मेरे को मेक श्योर करने है कि ये जो पीस जो डाला ना प्लास्टिक का जिसपे ये फिट किया, मेरे को मेक श्योर करने के अंदर से कट नहीं गया वो, क्योंकि अगर वो कट गया होगा ना वो फिर एक दूसरा लफड़ा हो जाएगा। तो मस्त एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, गर्म पानी का साइड मैंने लगा दिया ऑलरेडी, अभी ठंडे के साइड का काम तो हो गया गाइस अपना ऑलमोस्ट खत्म। मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, ये देखो बस वही जो दूर निकाला था ये, बस ये दो टाइट कर रहा हूँ। अभी क्या करूँगा ये बंद करता हूँ, ठीक है टेम्पररी बंद कर रहा हूँ। और अभी हम लोग करते हैं इसको, इसको करते हैं अभी प्लग यहाँ से। ये अभी ओ एक्चुअली पहले ये करना पड़ेगा, इधर आवाज आ रही है तो ऑब्वियसली यानी टाइट नहीं हुआ। तो ये मैंने मस्त टाइट कर दिया अभी वापस, अभी इसको बराबर खोल रहा हूँ। क्या वो पूरा खोलने से पहले मेरे को मेक श्योर करने का अभी ये गर्म साइड का, गर्म साइड का तो एकदम मस्त टाइट है। ये सब सामान हटा रहा हूँ अभी इधर से, इजी था यार एकदम, थोड़ा भी हार्ड नहीं था। तो अगर आप सोच रहे हो कौन सी मशीन है तो ये जीई की मशीन, बहुत सालों से चल रही है बॉस, फुल वसूल की है इसको। ओके तो अभी अंदर चालू कर रहा हूँ, तो ये वापस अनप्लग कर रहा हूँ क्योंकि मेन चीज तो लगाने को भूली है। तो मस्त बैठ गया, ये कर दिया प्लग। चलो देखते हैं अभी अपना काम वसूल हुआ कि नहीं, इधर से पानी नहीं आना चाहिए लीक। इधर आ रहा है मस्त, ठीक है ये थोड़ा ऐसे देख रहा हूँ इधर इधर लीक नहीं है, एकदम मस्त चल रहा है। खाली एक टाइम मेरे को वापस मेक श्योर करने का, ये पूरी तरह से टाइट है। ये देखो इधर अभी क्योंकि इधर पानी का लाइन चालू है, अगर इधर लीक होता है तो पानी गिरना चालू होना चाहिए, तो लीक तो है नहीं, अपना काम हो गया बॉस। तो दूसरा एक और प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक ये प्रेशर वाल्व है, ये इसे मशीन के साइड में जाता है और जब भी पानी भर जाता है ना इसके अंदर, तो आई थिंक सेंसर के थ्रू मशीन को मालूम पड़ता है पानी भर गया है एंड इट नीड्स टू स्टॉप फिलिंग। तो इसमें भी कभी कभी कचरा जमा हो जाता है दूसरे एंड पे, तो ये सब खोलना पड़ता है उसके लिए और प्रेशर वाल्व आई थिंक उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो अभी ये सब ऊपर के मैं स्क्रूज लगाऊंगा वापस, मैं मेक श्योर करूंगा मशीन पूरी मैं चालू करूं, पानी भरे, पानी टाइम पे स्टॉप हो गए, अगर टाइम पे स्टॉप होएगा तो फिर यानी अपना एकदम काम 100% सक्सेसफुल हो गया। एक चीज याद रखना, अभी मैं इसमें थोड़ा भी 10% भी प्रोफेशनल नहीं हूं, तो अगर मेरे को देख के आप करोगे तो आप रिस्क ले रहे हो। मेरे को शौक है ये सब चीजें करने का, इसके लिए मैं करता हूं, तो वो माइंड में रखना आप करने से पहले। पर ये पार्ट का नाम था इनलेट वाल्व,
तो वो इनलेट वाल्व के वजह से क्या हो रहा था, पानी फ्लो आते जा रहा था, जिस जब भी मैंने अनप्लग किया था वो फ्लो फिर भी चलते जा रहा था। इट गॉट टू अ पॉइंट कि वो अंदर का टब ओवरफ्लो हो गया, नीचे जमीन पे पानी आ गया। टेप चिटका रहा इधर, तो एक चीज मैंने नोट किया कि पानी का फ्लो मेरा बढ़ गया एकदम जबरदस्त, एटलीस्ट पहले के कंपेयर में 50% और फास्टर हो गया है आई थिंक, क्योंकि इधर ऐसे देखो सब कचरा जमा हो गया था, वो चक्कर में पानी मेरा फ्लो स्लो आ रहा था। तो अभी बस रुका हूँ कि ये भरे, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गए, अगर हो गया तो अपना काम हो गया, और फिर उसके बाद में मैं ड्रायर का सब कनेक्शन करना चालू करूँगा। तो ये देखो गाइस एकदम मस्त टाइम पे रुक गया, अपना काम हो गया, अभी जैसे ये बंद करूंगा चालू हो गया। तो ये बस ये इधर कनेक्ट करूंगा, दूसरा पार्ट इसका ड्रायर के, इसमें इधर जाएगा, ड्रायर प्लग इन करूंगा, जैसे पीछे या इधर नीचे दिख रहा है कुछ पानी वानी लीक नहीं है, अपना काम हो गया एकदम परफेक्ट, मजा कुछ नई चीज सीखने में। तो गाइस ब्लॉग इधर एंड कर रहा हूँ, आई होप मेरे साथ में आपको भी कुछ नया देखने या सीखने मिला हो। मेन चीज ये सब चीजें करने में मजा आता है कि कोई ऐसी एरिया का नॉलेज मिलता है जिसमें पहले कभी जीरो नॉलेज था, ऐसे क्या हम लोग सीखते हैं, किसी और को हेल्प कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ते जाती है। तो ओके गाइस ये था आज का ब्लॉग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। फुल फ्लेजिड लेकिन फुद लगे हुए लोग, हाँ हाँ हाँ।